अस्सलामुअलैकुम आदाब नाज़रीन, मैं नीलू पर और आप देख रहे हैं द बोल्ड वॉइस। आइए नजर डालते हैं आज की 10 अहम सुर्खियों पर। मशहूर गुलकारा लता मंगेशकर इस दुनिया में नहीं रही। मुंबई के एक हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनकी उम्र 92 साल थी। लता मंगेशकर की वफात पर 2 दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा। इस हवाले से 2 दिन तक नेशनल फ्लैग आधा ही ऊंचा रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के इंतजामिया ने भी 2 दिन का शोक मनाने का फैसला किया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 पाकिस्तानी दरअंदाजों को उस वक्त मार गिराया जब वो सांबा सेक्टर के पास सरहद पार करने की कोशिश कर रहे थे। बताया जाता है वो अपने साथ नशे वाली अशिया सरहद पार ले रहे थे। महाराष्ट्र सरकार ने 7 फरवरी को सरकारी छुट्टी का ऐलान किया है। लता मंगेशकर की वफात पर पूरी रियासत में आलतलील का ऐलान किया गया। राहुल गांधी ने चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब के लिए कांग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट अनाउंस किया। वाजा रहे सीएम कैंडिडेट को लेकर पंजाब में कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई काफी देर से चल रही थी। ऐलान करने से पहले राहुल गांधी ने सिद्धू और चन्नी दोनों के साथ कार में सफर किया। जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरियों की आसामियों को लेकर एक बड़ी खबर। हाल ही में SSRB की तरफ से जारी शुदा नोटिफिकेशन को विड्रा करने के बाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एक बड़ा खुलासा किया है। ये बताया गया है कि इन तमाम आसामियों को फिर से सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को भेजा जाएगा और उन्हें नए कानून और डोमोसाइल के मुताबिक फास्ट ट्रैक तर्ज पर पूरा किया जाएगा। PAGD ने सरकार की तरफ से नई हदबंदी को लेकर एक अहम मीटिंग 13 फरवरी को बुलाई है। वाजा रहे कि गुपकार अलायंस की ये एक लंबे वक्फे के बाद हो रही मीटिंग है। आज सुबह जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए। ये झटके दिल्ली और नोएडा में भी महसूस किए गए, तहम कहीं से भी किसी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। किश्तवाड़ इंतजामिया ने आज कस्बा किश्तवाड़ ड्राइव चलाई। इस दौरान तहसीलदार किश्तवाड़ प्रमोद कुमार की सरबराही में चेकिंग कर रही टीम ने कई लोगों को जुर्माना किया जो बगैर मास्क के दिखाई गए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिले।